आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हमारे बाथरूम की या किचन की, किचन सिंक के नीचे जो नाली होती है वो ब्लॉक हो जाती है या जाम हो जाती है, तो उन्हें हम किन ट्रिक्स से ठीक कर सकते हैं। ट्रिक्स को जानने से पहले, अगर आप भी चैनल में नए आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर नए नए ट्रिक्स आपको बताते रहते हैं। मेरी नेक्स्ट आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम टॉयलेट ब्रश को हम किस तरह से बिना हाथ लगाए साफ़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे बाथरूम की नाली बार बार जाम हो जाती है तो कुछ आसान उपायों से इस समस्या से छुटकारा हम पा सकते हैं। आइए जानिए उन उपायों के बारे में। बाथरूम की सफाई से संबंधित बड़ी समस्याओं में से एक है नाली का बार बार जाम होना। बाथरूम में अक्सर नाली हमारी छोटी छोटी गलतियों की वजह से ही जाम हो जाती है और बाथरूम में पानी भरने लगता है। बाथरूम की नाली अक्सर नाली में बालों के इकट्ठा होने से ही जाम होती है और ये समस्या आने वाले टाइम में इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि इससे छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है। बाथरूम की जाम नाली कई बार नाली में होने वाले कीड़े का कारण भी बन जाती है। कई बार नाली में साबुन या तेल जमा हो जाने की वजह से भी ये जाम होने लगती है। ऐसे में गर्म पानी का इस्तेमाल एक कारगर नुस्खा हो सकता है। यह कभी कभी बाथरूम की नाली में जमे हुए साबुन या ग्रीस को तोड़ सकता है, जो रुकावट को एक साथ रखता है और रुकावट को दूर करता है। उबलते पानी का उपयोग करके जाम नाली को ठीक करने के लिए गैस पर पानी उबालें, उबलते पानी को नाली में डालें। पानी डालते समय फनल या किसी चीज़ का उपयोग करना सबसे अच्छा तरीका है। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी प्लास्टिक शावर या बाथरूम एक्सेसरीज में गर्म पानी ना गिरे। हालांकि यह नुस्खा जाम नाली को आंशिक रूप से ठीक करने का अच्छा तरीका है और अगर नाली में बाल जैसी कोई भी कठोर वस्तु फंसी हुई है तो इस नुस्खे से पूरी तरह ठीक नहीं होंगे। बाथरूम की जाम नाली को आप प्लंजर का इस्तेमाल करके भी साफ कर सकते हैं। किसी भी हार्डवेयर शॉप से आप प्लंजर ले सकते हैं। इसके लिए आपको अपने नाली के सही आकार का प्लंजर इस्तेमाल में लाना है। सबसे पहले बंद नाली के ढक्कन को हटाएं और प्लंजर का उपयोग करें। यदि क्लॉग गहरा है या बालों से बना है तो आपको प्लंजिंग के प्रभावी होने के लिए पर्याप्त सक्शन प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। नाली में पानी डालें ताकि प्लंजर का सिरा पानी में डूब जाए और इस पर जोर लगाते हुए नाली को साफ करें। नाली में फंसे हुए कचरे को अगर आप हाथ से ही खींच लें तो वो ज़्यादा बढ़िया तरीका है। इस विधि में सफलता की काफ़ी अच्छी संभावना है, लेकिन इसमें आपको अपने हाथों का उपयोग करना होगा। इसीलिए इस युक्ति को हमेशा ग्लव्स पहन कर ही आप करें। इसके लिए सबसे पहले बाथरूम की नाली के कवर को हाथ से खोलें। कभी कभी बीच में एक पेच होता है जिसे आपको निकालना होता है। दूसरी बार आप स्क्रू ड्राइवर का उपयोग करके नाली के कवर को हटा सकते हैं। नाली के अंदर देखें और क्लॉग का पता लगाएं कि जाम कहाँ से है, इसका कारण क्या है। यदि आवश्यक हो तो टॉर्च का प्रयोग आप कर सकते हैं। यदि रुकावट पहुँच के भीतर है तो इसे अपने हाथों से बाहर निकालें, और अगर ये पहुँच में नहीं है तो आप किसी पतली हुक से या हैंगर से नाली के भीतर के कचरे को हटा सकते हैं। इसके अलावा रसायनों के उपयोग की तुलना में अधिक प्राकृतिक समाधान है। बेकिंग सोडा और सिरके का उपयोग करके बाथरूम की नाली को ठीक करने के लिए नाली में एक कप बेकिंग सोडा डालें, कुछ मिनट प्रतीक्षा करें। एक कप सिरका भी नाली में डालें, यह देखने के लिए कुछ घंटों तक प्रतीक्षा करें कि क्या नाली में बाल फंसे हुए हैं। अगर नाली अभी भी जाम दिख रही है तो इसमें उबलता पानी डालकर उसे साफ करें। अब हम ये जान लेते हैं कि नाली को जाम होने से बचाने के लिए किन चीज़ों का हमने ध्यान रखना है। बाथरूम में जब भी बाल धोएं, इन्हें नाली से हटाकर बाहर कर दें। यानी कि कई बार हमारे बाल टूटकर गिर जाते हैं तो उसे हम हाथ से उठा करके कचरे में डाल दीजिए, ठीक है। नाली में कोई भी ऐसा कचरा न इकट्ठा होने दें जो नाली के भीतर जाकर इसे जाम कर दे। सबसे ज़्यादा कारण यही होता है कि जब हमारे बाल वहाँ पर जाके फंस जाते हैं और बालों की वजह से जो नाली है वो जाम हो जाती है, और बाल जो है वो ऐसे होते हैं जो कि निकलते भी नहीं हैं जल्दी से। इसीलिए जब भी हम बाल धोएं तो आप जो है सबसे पहले तो जो उसके ऊपर कवर होता है, नाली के ऊपर का कवर, उसे फिक्स करके रखें ताकि उसके अंदर कचरा ना जा पाए, और उसके ऊपर जो भी कचरा जमा होता है उसे हाथ से उठा करके आप बाथरूम डस्टबिन के अंदर डाल सकते हैं। समय समय पर नाली की सफाई भी करते रहें। कैसे? क्योंकि हम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाथरूम में हम मैक्सिमम
साबुन का यूज़ करते हैं तो साबुन कई बार जमा हो जाता है नाली के अंदर, मैक्सिमम यह सर्दियों में होता है, तो हमें समय समय पर गर्म पानी की एक बाल्टी लेकर के नाली में डाल देनी है। इससे क्या होगा, इससे जो नाली है वो साफ रहेगी। इन सभी घरेलू उपायों से आप बाथरूम की जाम नाली आसानी से साफ कर सकती हैं, लेकिन अगर आप घर पर जाम नाली साफ करने में असफल हैं तो आप किसी प्रोफेशनल की मदद भी ले सकते हैं, जैसे कि जिसे हम प्लम्बर बोलते हैं, उसे बुला करके हम पूछ सकते हैं कि नाली जाम होने का कारण क्या है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए, और इसके साथ ही और भी वीडियो पाने के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया मेरी नेक्स्ट आगे आने वाले वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि टॉयलेट ब्रश को हम किस तरह से बिना हाथ लगाए साफ़ करें। ये पूरा चैनल जो है वो क्लीनिंग टिप्स से रिलेटेड ही है, किचन क्लीनिंग टिप्स और बाथरूम क्लीनिंग टिप्स मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, बाय।